गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आप लोगों को करवाया था ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और हमने पॉलीगन लॉ आपको करवाया था। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे ही बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चन में आ रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये लॉ हमें क्या स्टेट करता है, ये हमें लॉ स्टेट करता है अगर हमारे पास दो वेक्टर है एक्टिंग कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, उनका रिप्रेजेंट किया जा रहा है बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में बाय द टू एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स किसकी होगी, पैरेललोग्राम की। तो देन जो रिजल्टेंट होगा रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। कहता जो उनका रिजल्टेंट होगा ना उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन आप दोगे, जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम, जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो रिजल्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए इसमें अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैं बताऊंगा इसका। देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, आर मैग्नीट्यूड आर, क्योंकि हमारे पास आर भी होगा दैट शुड बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो देखिए दैट इज हमारे पास ये कोई पॉइंट है, ये वेक्टर ए है, ये पॉइंट हमारे पास क्यू है, ये वेक्टर बी है। तो ये रिजल्टेंट हमें देता है कि ये क्या है एडजेसेंट साइड्स का है पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए, जैसे परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने ये हमारा रिजल्टेंट होगा आर, ठीक है। मान लीजिए टोटल एंगल कौन सा है थीटा एंगल, और ये एंगल क्योंकि बीटा की वो डायरेक्शन की बात जब आएगी, डायरेक्शन की जब बात आएगी तो टेन आर मीटर लेंगे। तो टोटल एंगल हमारे पास कितना है, तो वो कितना है हमारे पास टोटल एंगल थीटा। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट क्यू है, ये वेक्टर बी है, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, इस पॉइंट को एम रख लीजिए, इस पॉइंट को एस और इस पॉइंट को टी। तो हमने क्या करना है, जल्दी इसका फाइंड करना है बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले देखिए इन ड्रा करिए, ड्रा किया है हमने एस एम परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्लियर दिख रहा है कि जो एस एम परपेंडिकुलर टू हम कहाँ पर लिए हैं, क्यू एम पे ले लीजिए या पी एम पे लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एस क्यू एम, एस क्यू एम यहाँ पर कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, बेस हमारे पास क्यू एम है, हाइपोटेन्यूज कितना है एंगल के सामने परपेंडिकुलर है ये क्यू एस, तो क्यू एम आपके आप हमारे बी मिल गया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बी, ये कॉस ऑफ थीटा। तो बेटा हमारे पास क्यू एम मिल गया है बी कॉस ऑफ थीटा, बी क्यू एम बी कितना मिल गया, बी कॉस ऑफ थीटा। उसके बाद देखो ना साइन ऑफ थीटा की बात करो, साइन ऑफ थीटा में परपेंडिकुलर वन हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर क्या है एंगल के सामने परपेंडिकुलर है एस एम, हाइपोटेन्यूज क्या है क्यू एस, ठीक है। तो बेटा यहाँ से एस एम क्या मिल जाएगा, क्यू एस साइन थीटा, क्यू कितना है बी साइन थीटा, तो एस एम कितना मिल गया बी साइन थीटा, हमारे पास एस एम कितना मिल गया बी साइन ऑफ थीटा। अब देखो हमारे पास वैल्यूज मिल गई हैं, अब यहाँ पे लगाएंगे यूजिंग ट्राइंगल करके, सॉरी पैरेललोग्राम पैथागोरस का यूज करिए इस ट्राइंगल में। अब करिए इसे एस पी एम, तो एस पी एम में इन ट्राइंगल एस पी एम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है कुछ देखो इन ट्राइंगल एस पी एम में ट्राइंगल बीटा है, तो यहाँ पे आ गया आप लोगों का एस पी कितना आ गया पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है एस एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, ठीक है ना। हमने ट्राइंगल को ही लिया एस पी एम, एस एम तो चलो ठीक है इसका स्क्वायर आएगा, लेकिन पी एम कितना है, पी एम हमारा पी क्यू प्लस क्यू एम, पी क्यू प्लस क्यू एम का होल स्क्वायर, चेक कर दीजिए पी क्यू प्लस क्यू एम, तो यहाँ पे आएगा एस एम का होल स्क्वायर, पी क्यू कितना है पी से क्यू हमारे पास है ए, एस एम भी लिख लीजिए वैल्यू लगा लीजिए, ये है हमारे पास एस एम, एस एम निकाला होगा हमने, एस एम क्या है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी क्यू क्या है पी से
क्यू ए, उसके बाद है क्यू एम, क्यू एम भी हमें निकालना है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा को बोल रहे ये जब स्क्वायर खोला तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आएगा ए प्लस बी कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो एक काम करो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन होगा, आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये बी स्क्वायर ये कितना आएगा ए स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा ठीक है। तो बच्चे हमारे पास एसएम क्या है, एसएम भी हमारे पास पी सॉरी पीएस कितना है आर, तो आएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो देख लीजिए मैग्नीट्यूड जो है आर का वो निकल चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी कॉस थीटा। तो अब इसमें हमने कोई नई चीज यूज नहीं की है, वैसे ही हमने निकाला है जैसे ट्राइंगल बेटर एडिशन का ठीक है। अब हमने करना है डायरेक्शन ऑफ आर, तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालनी है, हमने इसकी डायरेक्शन इस तरह से लिखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर आर की जो डायरेक्शन होगी इसमें टेन ऑफ बीटा होगा, टेन बीटा, टेन बीटा में देखो परपेंडिकुलर कौन बेस होता है, टेन परपेंडिकुलर क्या है एस एम ठीक है, बेस कितना है ट्राइंगल बीटा वाला लिया तो बेस है हमारा यहाँ पी था, ये क्या था पी एम, तो एस एम तो ठीक है चलो पी एम कितना है पी क्यू प्लस क्यू एम, एस एम कितना है हमारे पास, हमारे पास एस एम है एस एम देखिए एस एम हमने निकाला हुआ है चेक करिए एस एम है हमारा एस से लेके एम का। सो बेटा ये हमारा उतना ही होगा जितना कि हमारा ये है, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा बी, तो हम यहाँ पे वैल्यूज आप लगा लीजिए, यहाँ पे क्या है बी साइन ऑफ थीटा एस एम बी साइन थीटा ठीक है, नीचे आ गया पी एम, पी एम कितना है पी एम है हमारा पी क्यू कितना है ए प्लस क्यू एम कितना है क्यू एम है हमारा क्यू एम है हमारा क्यू एम है हमारा कितना ये देखिए ये है क्यू एम वो है हमारा बी कॉस ऑफ थीटा बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपको क्या मिल गया टेन ऑफ बीटा, तो ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या हमें प्रोवाइड करता है डायरेक्शन ऑफ बी ट्राइंगल। देखिए किया किस तरीके से हमने, पहले हम इसमें ट्राइंगल क्या लेंगे हैं एस पी इन ट्राइंगल ये ना इन ट्राइंगल एस पी एम एस पी एम, तो यहाँ पे हमने एस एम परपेंडिकुलर क्या है एस एम बाय सॉरी उसके बाद बेस कितना है पी क्योंकि टेन था पी बाई बी, तो बेस में हमारा पी एम आ गया पी क्यू प्लस पी एम, तो पी क्यू देखिए हमारे पास यहाँ पे पी क्यू हमारे पास कितना था ए पी क्यू सॉरी हमारा कितना था ए ठीक है, तो हमने ए भी लगाया है, और हमारे पास क्यू एम कितना है क्यू एम हमने निकाला था वैल्यू क्यू एम की वैल्यू कितनी थी बी कॉस थीटा थीटा है, और बात ही एस एम की एस एम भी वी हैव फाइंड बी साइन ऑफ थीटा, तो ये हमने वैल्यू लगाया, तो दिस इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ योर आर। तो ये हमारा पैरेललोग्राम का मेथड एडिशन, थैंक यू वेरी मच।